ऐसे ही आज तो ये बच्चे फोन कर देते ना सीधा मुझे तो शिवानी ने फोन किया मैं कैसे भाग के आया सीधा फोन नहीं रहा था ना फोन दोनों हाथ दुख रहे थे कहाँ कहाँ लगी है ऐसे बस जगह के लिए यहाँ पे लगी थोड़ा सा घुटने पे लगी थी ऊपर तो जाना इतना मोटा है ना बच गई दोनों पाँव चलो आप लोग चलो कभी यही यही आ जाओ मैं गाड़ी लेके आऊँ चलो धीरे धीरे चलना हाँ आराम से चलना है आपकी सपाटी है चलो दोनों टुंडू तो इनके गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया है और अब हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बेसिक फर्स्ट एड हमने घर पे कर लिया है खाली चेकअप कराने लेके जा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर है मेरी चढ़ पाओगे कैसे चढ़ोगे कैसे चढ़ोगे मम्मी को सपोर्ट दो आगे नहीं बिठाना चाहिए था मुझे नहीं नहीं हाँ मम्मी हाथ पे जर्क नहीं ध्यान से ठीक है दांत की चोट है दांत गया आपका ओहो हम मम्मी बहुत धीरे से करेंगे अपने आपको वो पिल्लो है क्या इस गाड़ी में हम लोग पिल्लो लेके आना चाहिए था मम्मी रोने आप चलो ये क्या बात याद करके रोने लगे आप हाँ मम्मी बचपन में बच्चों का हाथ टूटता है ये कोई उम्र है हाथ तोड़ने की एक ने दांत तोड़ लिया एक ने हाथ तोड़ लिया हम मुझे और तुषार को होना चाहिए थे तुषार ग्रह था क्यों तुम गाड़ी के अंदर ऐसा हाल हुआ है हमारे साथ तो हम बचपन में थे जिस तरह से हुआ ना उछले यार आद्या को तो कुछ नहीं हुआ आद्या को यहाँ बिठाया गोद से हटा के यहाँ बिठाया बहुत अच्छी और वो क्या हुई ऐसे करके सोच के यहाँ बैठे इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ है क्या वो आंख बंद करके चला रहा था यश हाँ उसको समझ में नहीं आ रहा था आज का व्लॉग नहीं देखा है मैं गोलगप्पे के पहले भी उसे ऑन की हुई थी ऑफ करके गोलगप्पे मैं उसको ब्लॉग में दोनों जन पूरा ब्लॉग में खोई हुई थी मैं तो आधी और मैं दोनों पहले छत पे हुए तभी आप लोग को कम चोट लगी क्योंकि आप लोग देख लिया मतलब समझ अपने आप को टाइट कर लिया आप एकदम लूज थे तो आप फेंका गए आप नहीं उठा पा रही बार बार बढ़ रही हूँ उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही हूँ उठा ही नहीं जा रही मेरे से हाथ नहीं हिल रहा सकते आध्या को नहीं उठाएंगे रो रही थी चोट यश को लगी थी इन लोग को किसी को कुछ नहीं होगा सामने थे सबने अपने आप को टाइट कर लिया था मम्मी फोन में थी तो नहीं रियलाइज की कि एक्सीडेंट होने वाला है ऐसे ना फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए मैं और तुषार कभी फास्ट ड्राइविंग नहीं करते नहीं करनी चाहिए फास्ट ड्राइविंग हो गया ना और क्या बोलूँ अब हमारी उम्र में इतना टाइम लगता है इन लोग तो और ओल्ड है मम्मी को शुगर डायबिटीज दुनिया जान की बीमारी है तो देखते ही उनकी फ्रैक्चर है मैं तो आपको बाथरूम से निकल के आपका फर्स्ट लुक देख के बोल दिया आपको फ्रैक्चर है मम्मी को देख के लगा इनको हो गया फ्रैक्चर माँ को देख के लगा मुझे मम्मी के तो होंठ दिख रहे बस होंठ में दिखा मुझे होंठ तो सूज ही गए होंठ तो कितने सूज गए इनके देखो पर अब देखो आपको पता चलेगा जो गुम चोट है ना वो ज्यादा खतरनाक है बस वो बता देना कहीं पर लगे आपको इसीलिए लेके जा रहे हैं अपना पूरा एक्सरे करा लेना और ठुड्डी में क्रैक निकला फिर ऐसी टेढ़ी ठुड्डी हो जाएगी कैसे बनाओगे वीडियो टेढ़ा मुंह लेके किसने बोला है बोलने के लिए अभी नेक्स्ट व्लॉग में चल रहा था कि बच्चा आएगा कि नहीं दो बच्चे लेके बैठे हुए टूटे हाथ फाथ के ऐसा लग रहा है दोनों के हाथों में एक एक बच्चा है तू मेरा होठ हटवा दो बिल्कुल ये बच्चा सब भगवान को शुक्र मान रहा हूँ कुछ सीरियस नहीं हुआ अच्छा समय बुरा समय सब आता है कम से कम बुरा समय में हम सब साथ में हैं ये नहीं मम्मा दिल्ली में हाथ तोड़े बैठी हुई है हम यहाँ है तो और ज्यादा दिमाग में पूरा हाथ में चोट लगा हुआ है हालत बुरी और रो रही है बोल रही है मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी मैं स्कूल का बहुत काम है लोग को यहाँ उतरना पड़ेगा मुझे आगे जाके पार्क करनी पड़ेगी दूर जाके ओके बट आइसिंग करना है और मूवमेंट करते रहने जब स्थिर रखेंगे तो आपको
दर्द बढ़ेगा। और यहाँ पे वूंड्स में फ्रैक्चर नहीं है, खाली झटका लगने की वजह से नसें वगैरह मसल्स में इंजरी हुई है, उसके लिए खाली आपको बेल्ट पहनना है, रेडीमेड दवाई लेना। चलो फ्रैक्चर नहीं है डॉक्टर, इतना मेंटल री हाँ को मम्मी बहुत तेज इंजरी, एकदम जान लेवा है मसल में भी एकदम, हाथ अभी एम्प्यूट कराना पड़ेगा। सब मूवमेंट्स करनी है जो रूटीन में हम करते हैं, इसी हाथ से खाना है, कुछ पकड़ना है, लिख लिखना भी है। डॉक्टर जी आप ऐसे ही बैठे हो, इनको बिठा दिया करो बाहर, ये सबको देख के बता देंगे, ये बता तो रही है मेरा एकदम ठीक है। खुद से ही बोलेगा मेरा खाली यहाँ और यहाँ। मम्मी इतना फनी लग रहा, मुंह फूला हुआ, वो लग रहा राखी सावंत। भगवान को अच्छा इनाम दे। ये जो बेल्ट दिए हैं दोनों को, वो प्लास्टर की एवज में ही दिए हैं, वो प्लास्टर की तरह ही पहनने हैं, 24 घंटे पहनने हैं, खाली नहाने दोनों के घंटे। अचानक से हुआ सब कोई, जब हम थोड़े सेटल डाउन हुए तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे कैमरा ऑन करना चाहिए, तो फ़ोन कैमरा था तो उसी से मैंने शूट किया है। पता नहीं कितनी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी कि नहीं दे रही होगी, बट जो रियल में हुआ हम उसको कैप्चर करना चाहते थे। एंड गॉड ग्रेस सब नॉर्मल है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब नॉर्मल है। बस उनको हाथ में इतनी ज़ोर से चोट लगी कि दोनों के हाथ सूज गए, अंदर के नर्व्स दब गए हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, बट एटलीस्ट प्लास्टर तो नहीं चढ़ा ना। नहीं, ये लोग चाहते नहीं कि मेरे लिए कुछ टेस्टी टेस्टी खाना बनाए, इसीलिए हाथ में चोट लगा दी। चाहते तो बहू खाना बनाया, अंगूठा मम्मी अंगूठा। बहू फिर छाछ का खाना बना देगी वापस से। बस मम्मा करने दो, कुछ नहीं मम्मा करना है। ये दोनों समझौतों के बीच में इतना कॉम्पिटिशन है कि एक को बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अकेले चोट कैसे खा ले, दूसरी को भी उसने सेम दूसरे हाथ में पट्टी लगाने हैं। चलो कम से कम एक ने राइट में और एक ने लेफ्ट में लिया है। इन्होंने तो अपना होट दिया जो सुझवा लिया, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, उनके बहुत ऐसे सीधे सूझे होंगे थोड़ी भी। हाँ तो हंसते हंसते जाना चाहिए ना, रास्ते हंसते हंसते कटने चाहिए, सब तो आते जाते रहता है। बहुत बड़ी ग्रह थी। हाँ मैं भी मानती हूँ बहुत बड़ी कोई ग्रह थी जो टल गई। मैं भी मानती हूँ चीज़ को, छोटे छोटे बच्चों को खिलाती रहती हो ना, उनकी दुआओं का ये असर है कि इतने पे खत्म। हाँ मैं भी मानती हूँ ये था इससे ज्यादा बड़ा, और सबसे बड़ी बात आध्या बच गई, आध्या आप लोग के साथ थी। हाँ, उसको खुरोच भी नहीं आई है, ऐसे भी यहाँ से तो सीधी वहाँ जाती, फिर क्या करे। हाँ कुछ भी हो सकता था, और आध्या पकड़ी है तो सीट बेल्ट तो पहनना ही है, अब खुद बचोगे तभी तो बच्चे को बचा पाओगे। एकदम सब कुछ छोड़ के और कुछ नहीं, सिर्फ जान लगा देते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ व्लॉग खत्म करते हैं, अभी हमने दिया जलाया घर पे, कुछ समय खराब चल रहा है, तो ये अगर नाराज है हमसे तो मान जाइए भगवान जी, हम लोग से इतना नाराज मत रहिए। बाकी अब नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या होता है, हमने तो कुछ और सोचा था इस व्लॉग के लिए कि मैं उतार चढ़ाव आपको दिखाना चाहती हूँ अपनी। बाकी टेक केयर गाइस, इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें आप अपनी। ये क्या हो रहा है हाँ, आज का दिन यहाँ ख़त्म थोड़ी हुआ है भाई, रात के देख लो कितने बज रहे, इस समय 3 बज रहे हैं और इसने सोने का नाम ही नहीं लिया है। ओह ठाकुर आप भी उठ गए, खुद खुशी के मारे कूद रहे। पापा मॉर्निंग तो हो चुकी है, आप वॉक करके सो जाओ। 3 बज रहे पापा, 3 पूरा घर में देखो खाना पीना चल रहा है। हाँ टूटे पड़े देखो ना उसको। हाँ वही खोल लिया। बस
दोनों बाप बेटी अंदर, रात के 3 बजे उछला उछली चल रही है यहाँ पे, सब पागल हो गए। सॉरी 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 सॉरी, मैं इस पे चढ़ गई, मुझको दिखाई नहीं थी कि पीछे बैठी हुई है। सॉरी बेटू, मम्मी हाथ टूट गया है। उस टूटे हाथ से क्यों बर्तन पकड़ के खा रहे हो, दूसरा हाथ से पकड़ो। क्या करे, आदिया सोई नहीं, मुझे भूख और लगा है। हम ना समझ में आया रात में तुम लोगों को क्यों भूख लगती है ना, समझ में आया ना। पता है हम लोग दरवाजे के बाहर कान लगा के खड़े हुए थे और रास्ते जा रहे थे, इतना हंसे आदिया, कभी तम तम गाना गाए, कभी कुछ करे, भाई साहब इतना इतना मजा आ रहा था। मैं और तुषार और बीच बीच में पापा की घराटों की आवाज को क्या हुआ अपने इतनी नींद आई हुई है कि गिर रही है। चलो सो जाओ, तुम जाती जा रही है, जाती जा रही है, सो चलो डैडी और